लाहौर कांग्रेस हो चुकी थी और हम लोग साबरमती आश्रम में थे और रात को ये खबर मिली कि कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास होते ही बापू वहाँ से चल दिए हैं और वो आगे उस सेशन में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। जो उत्तरदायित्व उन पर दिया गया है उसके लिए वो फौरन चले आ रहे हैं और रात को वो पहुँच जाएंगे। सवेरे 4 बजे की प्रार्थना में सब लोग इकट्ठे हों, तो हम लोग सवेरे 4 बजे की प्रार्थना में ठीक जाड़े के दिन थे इकट्ठे हुए। गांधी जी ने अपना भाषण शुरू किया और उसमें बड़ी ज़बरदस्त ये थी, उत्साह था और साथ ही साथ गंभीरता थी कि ये जो हम पर लोगों ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पास कर दिया मगर कैसे पूर्ण स्वराज हम लेंगे, मेरे ऊपर दायित्व डाल दिया। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मेरे पास ये आश्रम है, इस आश्रम को और अपने को होम दूंगा इसमें, इसके सिवा तो और कुछ मैं जानता नहीं हूँ। मगर ये कैसे होगा क्या होगा अभी कोई तस्वीर मेरे सामने साफ नहीं है, मगर इतनी बात एक है कि कड़ा अनुशासन होगा। युद्ध होता है तो उसमें सिपाहियों को बहुत पहले से डिसिप्लिन के लिए ट्रेन किया जाता है, तो अहिंसा के युद्ध में भी डिसिप्लिन उतनी ही ज़रूरी है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, तुम लोग जानते हो कि आश्रम के कुछ नियम हैं, यहाँ का कड़ा अनुशासन है, सारी नियमावली से काम होता है, सारा बंधे बंधाए वक्त पर हर चीज़ होती है। तो हम यहीं से अनुशासन शुरू करेंगे, सब अपना अपना काम अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक पूरे वक्त पर निभाएं। 160 तार, एक 4 फीट का एक तार माना जाता था, इतना जो कताई का सूत है, ये हर एक के लिए नियम था कि रोज़ काटेंगे, तो ये हर एक को करना होगा। अपने कार्यालय में काम के वक्त पर ठीक वक्त पर पहुँचेंगे, प्रार्थना सभा में दोनों वक्त ठीक समय पर आएंगे और 5 मिनट बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, जो नहीं आएंगे गैर हाजिर माने जाएंगे। तो इस तरह की एक भी गलती, एक एक गलती पर माना जाएगा कि नियम भंग हुआ, इनडिसिप्लिन हुई। 3 गलतियों तक मैं बर्दाश्त करूँगा, उसके बाद आश्रम छोड़ देना पड़ेगा। इतना कह करके वो चले गए और एक ऐसी स्तब्धता छा गई आश्रम में कि जो भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे पुराने, उन सबको वो थर्रा उठे, क्योंकि ऐसी नियमबद्धता इतनी कड़ी कि उनको आश्रम छोड़ देना पड़ेगा। कितने लोग आए थे आश्रम में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर जीवन व्याप्त करने बिताने के लिए। तो कई दिन तक फिर लगातार ये बातें चलती रहीं और गांधी जी के पास उन लोगों का आना जाना होता रहा कि हम लोग कहाँ के रहेंगे, ऐसी बात की गलती तो किसी से भी हो जा सकती है, तो हम लोगों के लिए फिर क्या ठिकाना होगा। मगर गांधी जी इस पर सेटल ही नहीं। तो तब से गांधी जी की जो प्रार्थना सभाएं थीं सवेरे और शाम की, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए हो उठी। मैं उन दिनों गुजरात विद्यापीठ में अध्यापक था, पास ही था 3 मील वहाँ से, मगर मुझे रहने का स्थान साबरमती आश्रम में मिल गया था किसी कारणवश, तो इन सब प्रार्थनाओं में मैं बराबर शामिल होता था। तो दिन पर दिन गांधी जी का हम लोग देखते रहे कि कितना अंतर्द्वंद बढ़ रहा है, क्या होगा क्या होगा। तरह तरह के लोगों से भीड़ बढ़ने लगी, आश्रमवासियों की संख्या बढ़ने लगी, बहुत से लोग नए दर्ज होने लग गए, विदेशों से पत्रकार आने लग गए। रोज़ प्रश्न यही पूछा जाता था, कोई रास्ता मिला, कोई रास्ता मिला। यानी एक साल में स्वराज कैसे गांधी नहीं, एक साल में स्वराज की बात नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, सत्याग्रह का रूप क्या होगा जी, ये प्रश्न था सबसे बड़ा। सत्याग्रह करेंगे और गांधी जी उसके अधिनायक होंगे, उसका रूप क्या होगा, तो ये प्रश्न। इस पर गांधी जी ने कहा था, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये कहा कि सत्याग्रह छिड़ेगा और ये जब तक पूर्ण स्वराज लिए बिना हम चैन नहीं लेंगे, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। मगर इसका रूप क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और पत्रकारों से बात होती थी, इंटरव्यू आती थी, छपती थी, उनमें यही था गांधी जी कहते अभी तक मुझे कोई प्रकाश नहीं मिला है। ऐसा होते होते फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग वहाँ होती थी, बीच बीच में जवाहरलाल जी आते थे, मोतीलाल नेहरू आते, सभी लोग आते थे, मगर गांधी जी पर सब लोग छोड़े हुए थे। किसी के हम लोग ये देखते थे कि किसी के अंदर कोई ऐसी चिंता नहीं नज़र आ रही, सब छोड़े हुए हैं, विचार मंत्रणा कुछ नहीं है, सब गांधी जी को करना है, बिल्कुल डिक्टेटर शब्द चल पड़ा था, वो डिक्टेटर बनाए गए हैं।
हाँ, उस समय शायद डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप पहला पहली बार था, वो इतना निंदनीय नहीं था। वो डिक्टेटर शब्द इसमें पहले पहल सत्याग्रह के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कुछ दिन बाद फिर जाकर के एक बार गांधी जी का रूप निकला कि नमक के लिए मार्च होगा। जब ये बात आ गई तब ये नमक क्या चीज़ है, नमक कानून क्या है, इसके बारे में कुछ लोगों को अंदाज भी नहीं था। आश्रम में भी बड़ी भारी चर्चा थी, फिर उसके बारे में पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। तो दांडी वहाँ से सूरत के ज़िले में एक बंदरगाह, वो लाइट हाउस था जो अब बेकार पड़ा हुआ है, वहाँ जा करके, वो कोई गाँव वाँव भी नहीं है, सब ऐसी वीरान जगह है, वहाँ तक की पैदल यात्रा होगी साबरमती से और 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होगी और 5 अप्रैल को वहाँ समाप्त होगी। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पंजाब हत्याकांड के सिलसिले में जो सत्याग्रह वीक मनाया जाता रहा था कांग्रेस में, उसमें 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू होगा। नमक कानून भंग किया जाएगा, वहाँ से नमक तोड़ा जाएगा, नमक जो बना हुआ तैयार रहता है उसको उठा लिया जाएगा। ये बात साफ हो गई। ये जब साफ हो गई, गांधी ने वायसराय को पत्र भेजा, उसके इंतज़ार में रहे, जैसा उनका तरीका था कि पहले शांति से कोई रास्ता हल हो सकता है कि नहीं। बड़ा कड़ा पत्र था जिसमें ये बात लिखी गई थी मशहूर कि हिंदुस्तान इतना गरीब है और वायसराय की इतनी बड़ी तनख्वाह है, उसमें तो जाने कितने लोग की गुजर हो सकती है। खैर, जब उसका वो नहीं आया, फिर सरदार पटेल पकड़ लिए गए उसी बीच में, तब गांधी जी के भीतर एक उग्र रूप आया। हम लोग की प्रार्थना सभा हो रही थी शाम की, पता लगा पटेल गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी सामने से निकलेंगे उन, क्योंकि साबरमती जेल वहीं पास में था, वहाँ ले जाए जा रहे हैं। हम सब लोग गांधी जी के पीछे पीछे साबरमती सड़क पर आ गए। पटेल की गाड़ी आई, रोका गया, गांधी जी कुछ बात हुई, गांधी ने कहा ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ जेल के लिए। तब ये भी चर्चा हो गई कि शायद 12 मार्च से पहले ही कुछ शुरू हो जाए, सब लोगों से कह दिएगा तैयार रहो। फिर उसके बाद वो फिर रुक गया मामला। फिर इस तरह से धीरे धीरे फिर चयन शुरू हुआ, तो उसमें आदमियों को चुनते 79 आदमी गांधी जी को मिला करके, 79 की गांधी टुकड़ी मशहूर हो गई थी उस वक्त, तो 79 आदमी तय हुए इनको जाना होगा 12 मार्च को। जब ये सब तय हो गया, उसके बाद से गांधी जी की जो शाम की प्रार्थना सभा होती थी वो बड़े मैदान में होने लग गई, बिल्कुल साबरमती के तट पर, और बाहर से शहर से बहुत से लोग, हज़ारों लोग आते थे सुनने के लिए। वो बिल्कुल राजनीतिक भाषण होने लग गए और उसमें ज़्यादा रोज़ ये चर्चा होती कब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एक तरह तरह की बातें होती थी, कोई कहते थे कि गांधी जी को मृत्यु मार डाला जाएगा, कोई कहते थे इनको समुद्र पार ले जाया जाएगा। तो एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ और गांधी जी रोज़ समझाते थे उन लोगों को कि जिनके नाम आए हैं, कि जिन उनमें से तुम में से जिसको भी डर लगता हो अभी भी अपना नाम वापस ले सकते हो, क्योंकि एक बार यहाँ से जाने के बाद न घर जाना होगा न आश्रम वापस आना होगा। हमारी लाशें भले ही तैरती हुई समुद्र में नजर आएं, मगर घर बिना पूर्ण स्वराज लिए नहीं लौटेंगे। तो क्या उन 79 आदमियों में आप भी एक थे? मैं भी एक था, सौभाग्यवश। तो उस यात्रा के बारे में बताइए, किस तरह का उत्साह था, लोग कैसे गांधी जी का स्वागत करते थे? इसके 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। एक तो ये कि जब हम लोग सवेरे चले, तो उसके पहली रात से ही सारा आश्रम का वो की जो सड़क थी, आश्रम सड़क के दो तरफ कंपाउंड थे, बीच में से सड़क जाती थी साबरमती जेल के लिए, साबरमती स्टेशन के लिए भी अहमदाबाद से। तो उस सारा सड़क भरी हुई थी लोगों से, बाहर से लोग, जो शहर से, गाँव से, जगह जगह से लोग आए थे, अपने साथ कुछ चबेना लेकर के, कुछ झोला वोला लेकर के, और सारी रात वहीं रात को जागरण किया था। और उनका इतना शोर, जो यानी शोर मचा नहीं रहे थे, मगर उस भीड़ की वजह से इतना शोर था कि हम लोग आश्रम के अंदर बहुत दूर तक थे, आश्रम का कंपाउंड बहुत बड़ा था, मगर हम लोगों को नींद नहीं आ पाई रात को अच्छी तरह से। फिर सवेरे हम लोग ठीक 6 बजे यात्रा शुरू होने की थी, गांधी जी का सब बंधा हुआ वक्त था। पहले प्रार्थना सभा हुई 4 बजे, तो हम लोग जब प्रार्थना सभा के लिए, मैं जिस जगह रहता था उससे सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाना था, तो वहाँ पर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स रात को ही आ गए थे, और उन वॉलंटियर्स ने हमारे जो फाटक थे दोनों तरफ के, उन सब फाटकों पर पहरा उन्होंने बिठा दिया था। तो हुआ ये कि अब इस फाटक से उस फाटक जो जाते थे, तो इन लोगों की एक चेन बन जाती थी, उस चेन में के भीतर से होकर हम लोग गुजरते थे, नहीं तो भीड़ में हम लोग तो दब जाते।
तो प्रार्थना हुई, लौट के हम लोग आए, नाश्ता वास्ता किया। 6:05 रह गए थे, तब तक सब लोग सड़क पर कतार में खड़े हो गए। 6:00 गांधी जी आए, उनका कुछ बहनों ने टीका किया रोली से, शंख ध्वनि हुई, ठीक 6:00 रवाना हो गए। अब 6:00 जो रवाना हो गए तो वहाँ से अहमदाबाद का एलिस ब्रिज आता है, वहाँ से अहमदाबाद के लिए सड़क मुड़ जाती है और जाने के लिए ब्रिज पर होकर के, वो करीब 4-5 मील का रास्ता होगा। वहाँ तक हम लोगों को सारे, क्योंकि उस वक्त मकान मकान ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ खेत वेत थे, उधर एक तरफ साबरमती नदी थी, साबरमती की नदी के तट से लेकर के सारे खेत और इधर उधर जितना था सिर्फ नरमुंडी नरमुंडी दिखाई देते थे, इतने लोग और गर्द के मारे हम लोग परेशान थे। किसी की चप्पल गिर गई, वो चप्पल नहीं अपना ले सका, चलते ही चला गया, जाना पड़ा उसको। हम जब एलिस ब्रिज पर पहुँचे, वहाँ पर कुछ गलती हो गई इंतज़ाम करने वालों से, कि उन लोगों ने एलिस ब्रिज के रास्ते पर कोई रोक नहीं लगाई। एलिस ब्रिज सारा भरा हुआ था भीड़ से, उसमें होकर जा ही नहीं सकते थे। कुछ देर गांधी जी ठहरे, फिर लोगों ने सलाह हुई जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे, फिर ये हुआ कि साबरमती नदी का जल उस वक्त घुटनों से ज़्यादा कहीं भी नहीं था, उसको पार किया जा सकता था। गांधी जी का चलो आगे से उसको पार करके उस तरफ जाएंगे, सब लोग उस तरफ बढ़ गए। तो मैंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब हम लोग बीच में पहुँचे नदी के, तो इधर उधर बहुत दूर तक तो रेत ही रेत थी, वहाँ से जो मैंने सिर घुमा के देखा तो सिवा नरमुंड के कुछ भी नहीं था, और एक दो आदमियों के बीच में इतनी भी जगह नहीं थी कि मैंने उसमें लिखा था, मुझे एक कल्पना ये हुई कि अगर उधर से कोई फुटबॉल हमारे ऊपर से यूँ लुढ़का दे तो वो कहीं ज़मीन में नहीं गिरेगी, सिर्फ सिरों पर सिर पर होके चली जाएगी। खैर एक घटना ये याद है, हम लोग उस पार पहुँचे, उस पार से फिर हमारी सड़क पर ही फिर पक्की सड़क मिल गई। उससे जिस गाँव में जाना था, तो उस बार की हमारी पहली यात्रा का पड़ाव 12 मील चलने पर होता था। 5-6 मील करीब हम लोग आ गए, भीड़ उतनी ही साथ में थी। अब नई भीड़ ये जुड़ गई कि ख़ासतौर से अमेरिका के, ब्रिटेन के तो नहीं जहाँ तक मुझे याद है, अमेरिका का बहुत इंटरेस्टेड था। वहाँ के बहुत से जर्नलिस्ट, फोटो प्रेस वाले, फ़ोटो उनकी ट्रकें थीं, उसमें फ़ोटो का बड़ा लंबा चौड़ा उस ज़माने में हुआ करता था, वो सारा सरंजाम लिए हुए। अब वो क्या करते थे, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, सड़क तो थी पक्की ज़रूर, इर्द गिर्द जो थी सिर्फ धूल ही धूल थी, तो वो कभी इधर से चक्कर काट के आगे निकल जाएं, कभी उधर से निकल जाएं, तो उन्होंने तो धूल का ऐसा धुआंधार कर दिया कि हम लोगों को खांसते खांसते बुरी मुसीबत हो गई, नाकों में बिल्कुल धूल घुसने लग गई। कुछ दूर आगे बढ़े, अब भीड़ अभी भी चली जा रही है लोगों की, एक जगह पेड़ के नीचे गांधी जी रुके, उन्होंने सिर फेरा भीड़ को रोकने के लिए कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, अब हम आगे आप लोगों को नहीं जाने। जब हमने देखा गांधी जी की तरफ तो देखा, देख के ताज्जुब में पड़ गए, कोई भूत खड़ा हुआ है। उनका चेहरा सिर से लेके पांव तक सिवा धूल से ढका हुआ था, गांधी जी की आकृति से, उनके फिगर से सिर्फ पहचाना जा सकता था गांधी जी हैं, नहीं तो नहीं पहचाना जा सकता था। फिर हम लोगों को थोड़ी देर के लिए विश्राम मिला, हम लोग एक तालाब था पास में, वहाँ गए। वहाँ जब मैंने अपना मुंह धोया तो दोनों हाथों में पानी भर कर के जो मुंह पर से उठाया तो हाथ में सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ आ गई। ये एक एक्सपीरियंस इस बात का है कि कितनी भीड़ थी। आपने दूसरा प्रश्न किया कि लोगों ने रास्ते में कैसा किया होगा, ये तो अहमदाबाद का, अहमदाबाद में बहुत से लोग बाहर से भी आए थे, अहमदाबाद का हुआ। तो अब मैं बीच का सब रास्ता छोड़ करके दूसरा आपको सूरत की एक मीटिंग का जिक्र करता हूँ। सूरत में हम लोग जब पहुँचे, वहाँ से 4-5 दिन की यात्रा बाकी रह गई थी, तो वहाँ जो मीटिंग हुई वो 1 लाख की करीब मीटिंग थी, नर्मदा नदी के किनारे। बड़ा इंतज़ाम ठीक किया गया था, अच्छा, बहुत अच्छा इंतज़ाम भी था। तो लोगों ने बताया था कि यहाँ सूरत की आबादी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, और 1 लाख की मीटिंग के बारे में वहाँ जितने लोग थे सबका ख्याल था कि उन्होंने अभी हिंदुस्तान में कहीं भी 1 लाख की मीटिंग नहीं देखी। इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी, गाँव से कहाँ कहाँ से लोग कितने इकट्ठे थे, एक बात। और दूसरी बात ये कि वहाँ इतने सेठ लोग सूरत के वहाँ के थे ही, और अहमदाबाद के और बॉम्बे के इकट्ठे हुए, बहुत से इकट्ठे हुए थे गांधी जी को देखने की, जगह जगह आते थे, वहाँ भी आए। तो महादेव देसाई गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, गांधी जी तो बोल नहीं सके,
क्योंकि माइक लगाया गया था, हमने पहले पहल माइक देखा वहाँ, तब तक हमने माइक के बारे में कोई अनुभव नहीं हुआ था। तो माइक लगाया गया मगर गांधी जी अब खड़े हुए, वो फेल कर गया। अब गांधी जी जो बोले कुछ सुनाई नहीं पड़े किसी को, तो गांधी जी ने सबको नमस्कार करके बैठ गए कुर्सी पर, मंच बना हुआ था। महादेव भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोले, उन्होंने कहा बापू का तो नहीं बोल सकेंगे और आप लोगों से सब जानते ही हैं बापू का क्या मैसेज है। अब मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि गुजरात प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के लिए, इस युद्ध के लिए, सत्याग्रह के लिए आप लोग दान दें। अब ये दान का सिलसिला जो शुरू हुआ वो करीब एक घंटे तक चलता रहा और बंद ही नहीं होने को आ रहा था। धनाधन उनके पास सोने के गहने, औरतों के अंगूठियाँ, नोट, रुपये, इस तरह से इकट्ठे होते चला गया। जब महादेव भाई बोलते जा रहे हैं, फिर वादे होने लगे, फलाने मिल के सेठ ने बॉम्बे के ये रकम अनाउंस की है, ये देंगे। अब अहमदाबाद क्या पीछे रह जाएगा? अब वो होड़ लगा दी उन्होंने, तो अहमदाबाद के सेठ किसी ने उठ करके उससे बड़ी रकम बोली। ये सब होता रहा। फिर उसके बाद उन चीज़ों का नीलाम हुआ जो चीज़ आई थी। बापू की इस यात्रा की स्मृति के लिए ये चीज़ आपके लिए बड़ी अच्छी होगी, बोलिए कौन लेना चाहेंगे। अब वो जो चीज़ें हैं, जो 20-20 पाँच 10-10 रुपये की चीज़ें होंगी, वो हाँ 100-100 1000-1000 रुपये में नगद रुपया दिया जा रहा है और खरीदी जा रही है। कुछ अंदाज़ा था उस सभा में कितना पैसा इकट्ठा हुआ जी? कुछ अंदाज़ा था कि उस सभा में? ये मेरा बात ये इस बात में मेरा ध्यान भी नहीं था और इन सब चीज़ों पर मैंने ख्याल नहीं किया। जब आप दांडी पहुँचे तो वहाँ किस तरह से बापू ने नमक उठा करके? हाँ, वहाँ ये हुआ था, उसके बारे में हमारे ऐतिहासिकों ने कुछ गलतियाँ भी की हैं। कुछ लोगों ने जोर दिया है कि उन्होंने समुद्र से नमक उठा लिया, समुद्र का नमक उठा लिया, वहाँ नमक जमा पड़ा था कुछ उठा लिया, ये बात नहीं हुई थी। हुआ था ये कि 6 अप्रैल को हम लोग सब प्रार्थना करके उठे, चले गांधी जी के साथ, गांधी जी आगे गए, पीछे पीछे हम लोग, और समुद्र के किनारे गए। सब ने स्नान किया, स्नान करके अब गांधी जी जो थे उनको स्नान करते, तो हमने समुद्र में कभी देखा नहीं था। अब वो बिल्कुल ही किनारे पर थे, वहाँ 1 फुट भी ज़्यादा पानी नहीं आता होगा जब तरंगाती होगी, मगर वो तो डगमगाने लगे, हिलने लगे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ करके उनको उलीच उलीच कर पानी से नहलाया गया। उसके बाद वो बाहर आए, फिर आ करके एक जगह, वहाँ पर होता ये था कि समुद्र का जल पूर्णिमा के बाद जो जमा हो जाता था कुछ पोखरों में, तो उनमें धीरे धीरे से वो जमता जाता था, मगर उन्होंने वहाँ जहाँ पर कि ज़्यादा नमकीन पानी था वो उठा करके एक लोटे में भर लिया, उस लोटे में भर लिया गया, फिर वो आश्रम में ले आया गया। और उसके बाद वो लकड़ी, 2 ईंटों पर लकड़ी रख करके एक बिल्कुल पुराने ढंग का चूल्हा बनाया गया, उसमें आग लगा के उसको जलाया गया, वो पका करके कुछ नमक, कितने आधा तोला या कितना नमक बना था, बस शाम को सभा हुई। ये दांडी में? दांडी में शाम को वहाँ सभा हुई, इसमें सरोजिनी नायडू वगैरह सब बाहर बाहर से सभी लीडर्स वगैरह आए हुए थे। और वहाँ पर महादेव भाई ने उस नमक का नीलाम किया, वो आधा तोला नमक रणछोड़ भाई करके, जो फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हुए दिल्ली कांग्रेस के, जबकि बैंड थी कांग्रेस, वो उन्होंने शायद 500 रुपये में ख़रीदा। इस तरह की कुछ ड्रामेटिक घटनाएं भी घटी थी। तो ये वो आधा तोला नमक लेकिन देश के लिए नव जागृति का प्रतीक बन गया था, बन गया था। हम लोग वहाँ से जब पकड़े नहीं गए, बड़ी बड़ी चीज़ ये हो रही थी कि एक वहाँ पुलिस का थाना चौकी थी, हम लोग जब भी जाते थे गांधी ने नमक का एक पहाड़ लगा दिया, हमें चुन चुन कर लाओ, हम लोग साहब नमक का पहाड़ बना दिया। तो हम लोग जिधर भी जाएँ वो पुलिस वाले जो थे हम लोगों को देख करके मुँह फेर लेते थे, यानी बिल्कुल डांडी मार्चर्स को अरेस्ट करने की कोई स्कीम ही नहीं थी। मगर बाहर से जब गांधी ने 6 मार्च के बाद 6 अप्रैल के बाद सबको देश भर को इजाज़त दे दी नमक कानून तोड़ो, तो अब गुजरात में जगह जगह नमक बनने लग गया और इतने लोगों को यात्राएं दी जाने लगी, इतना पीटा जाने लगा, उसकी जिक्र रोज़ गांधी जी के पास खबर आती थी। गांधी जी इससे बड़े बेताब थे, तो इसलिए 7 दिन बाद ही उन्होंने वहाँ से कैंप उठाया और पीछे की तरफ गए, और वहाँ से हम सब लोगों को उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, अब जाके प्रचार का काम शुरू करो श्री। और हम लोग वहाँ से नमक की पुड़िया ले लेकर के गए, जहाँ जहाँ गए वो नमक की पुड़िया नीलाम कर करते थे और उससे चंदा इकट्ठा होता था सत्याग्रह समितियों के लिए। तो ये एक उदाहरण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने उत्साह के साथ गांधी जी का संदेश देश की करोड़ों जनता तक पहुँचाते थे। श्री सुमंगल प्रकाश जी, दांडी मार्च के रोचक अनुभव सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।